अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम लोग वीक 9 का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे जो सिंगल साइकिल प्रोसेसर है उसका डेटा पाथ, डेटा कैसे फ्लो करता है। हमने देखा था कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके पाथ डिफरेंट होते हैं और उनके जो ऑपरेंड्स हैं, उनके जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो उनको हमने कैसे सिंक्रोनाइज करना है, कैसे उनको इकट्ठा करना है एक टाइम पे, जो जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो सारे एक ही प्रोसेसर के अंदर हम लोगों ने किस तरह उसको एकोमोडेट करना है, हम लोगों ने ये देखा था। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि ये हमारा सिंगल साइकिल प्रोसेसर था, ठीक है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी, और ये हमारे पास रजिस्टर फाइल थी, ये हमारे पास डेटा मेमोरी थी, और ये जो हमारे पास मक्सिस थे जिससे हम डेटा को बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे। अब अगर देखा जाए, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि ये जो ऑपरेंड है हमारे पास ALU का, अब इसके बेसिकली दो जगह से इनपुट आ रहा है, एक रजिस्टर फाइल से और एक डायरेक्टली इमीडिएट डेटा आ रहा है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। अब इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही जाएगा आगे, फॉर जो मेमोरी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए इमीडिएट डेटा जाएगा, और जो हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन है या हमारे पास आर टाइप इंस्ट्रक्शन है उसके लिए हमारे पास जो रजिस्टर फाइल से डेटा आएगा। हम लोगों ने ये मकसद देखे थे। अब इन हमने क्या करना है, अपने डेटा को हमने यानी कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स होने चाहिए। किस तरह हम डेटा को, जैसे बड़ा सिंपली अगर मैं बताऊं कि इस मक्स का एक कंट्रोल सिग्नल होगा जिसको हम सेलेक्ट लाइन कहते हैं, वो सिलेक्ट करेगा या तो एट अ टाइम ज़ीरो हमारा जाएगा या वन जाएगा। सो इन दोनों में से एट अ टाइम एक वैल्यू आगे जाएगी, लेकिन वो सिलेक्ट कैसी होगी, वो हमारे कंट्रोल पिन के थ्रू होगी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा था, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो उसका सबसे पहला जो होता है, जो फील्ड होती है, उसको हम ऑप कोड कहते हैं। एंड ऑप कोड अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था, हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें यूज़ की थी सिवाय ऑप कोड के। सो ऑप कोड बेसिकली ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और पूरे प्रोसेसर को बताता है कि एट अ टाइम मक्सिस की क्या सिलेक्ट लाइन्स होंगी, जो मेमोरी है एज अ रीड काम कर रही होगी, एज अ राइट काम कर रही होगी, या दोनों ने काम नहीं कर रही होगी। सो रजिस्टर फाइल में राइट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। सो इस मक्स की और जो हम और मक्सेस लगाएंगे उसकी बेसिकली वैल्यूज़ बताएंगी क्या होगा। ALU के बारे में बताएगा कि ALU इस टाइम पे क्या कर रहा होगा, या तो वो एडिशन कर रहा होगा या सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा या एंड या और या कोई और फंक्शन कर रहा होगा। तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली हमारे कंट्रोल लाइन से, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन से आता है। सो ये सिंगल साइकिल का डिज़ाइन है, और हमने थोड़ा सा अगर इसको दोबारा देख लें, हम लोगों ने कहा था कि ये सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब ये है कि हमारा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आगे जाएगी और वो डिफरेंट जगहों पे डीकोड होगी। जब डीकोड होके आगे जाएगी तो फिर हमारा रजिस्टर फाइल उसको एक्सेप्ट करेगा, और रजिस्टर फाइल के बाद वो जाएगा हमारे ALU डिज़ाइन की तरफ, ALU के बाद वो डेटा मेमोरी की तरफ जाएगा, एंड डेटा मेमोरी के बाद वो अगर उसने राइट करना है तो राइट करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन में हर स्टेप फॉलो। सपोज हमारा आर टाइप है, आर टाइप में इंस्ट्रक्शन जाएगी रजिस्टर फाइल की तरफ, रजिस्टर फाइल से आगे जाएगा ALU की तरफ, ALU से जाएगा मेमोरी की तरफ नहीं जाएगा, यहीं से वो डेटा वापस यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा जो अभी तक का जो हमारा पाथ है वो इस तरह डिज़ाइन हुआ है। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने ALU पे, कि हमने सबसे पहले अपने ALU को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि हमने ये ALU डिज़ाइन पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास जो इनपुट्स थी वो B इन्वर्ट थी। ये हमें बताती थी या तो हमने B को इन्वर्ट करके भेजना है या B को बगैर इन्वर्ट करके भेजना है। अगर हमने ऐड करना है सिंपल, तो हमें B को इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे लिए क्या चाहिए होगा, हमने B का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा B प्लस B इन्वर्ट प्लस वन, और B इन्वर्ट प्लस वन बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू माइनस B। सो B इन्वर्ट हमें ये बता रहा है, कैरी इन हमें बता रहा है कि जो पिछले जो वैल्यू है उसमें अगर कोई कैरी होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये जो वन है, अगर हम एडिशन की बात करते हैं, इसमें कैरी जो इनिशियली जो फर्स्ट बिट होगी उसमें कैरी इन जो होगा वो ज़ीरो होगा इन केस ऑफ एडिशन।
लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये हमारे पास 1 होगा, क्योंकि इस 1 को हमने कहीं ना कहीं कंपनसेट करना. सो ये 1 कैरी इन भी हमारा एज एन इनपुट काम करेगा. देन हमारा ऑपरेशन बिट्स हैं. ऑपरेशन बिट्स बेसिकली इस मक्स को कंट्रोल कर रहा है कि कौन सी इनपुट एट अ टाइम आउटपुट पे रिजल्ट के अंदर हमारे पास आएगी. सो अगर हम 00 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 4 इनपुट्स हैं इसलिए 2 बिट की हमारी सेलेक्ट लाइन्स होंगी. सो अगर 00 होगा सो हमारा एंड गेट को पॉइंट कर रहा है. 01 में हमारा और गेट को पॉइंट कर रहा है. 10 में हमारा ये एडर की तरफ पॉइंट कर रहा है. इसमें हमारे पास एडिशन भी होगी एंड सब्ट्रैक्शन भी होगी. और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे कंट्रोल किया, जिसमें मैंने पहले बताया, वो हमने इस मक से कंट्रोल किया और इस कैरी इन से कंट्रोल किया. देन हमारा जो सेट इफ लेस देन वाला फील्ड है वो हमारी आएगी 11 पे. सो ये बेसिकली हमारे पास इनपुट्स होंगी और इसके बेसिस पे हमारे पास आउटपुट सिग्नल्स आएंगे. सो ये हमारे पास एक बी इन्वर्ट, हमारे पास जो इस मार्क्स का जो इनपुट है सेलेक्ट लाइन है वो आ रही है. देन ऑपरेशन बिट्स जो 2 बिट्स हैं. देन कैरी इन, ये हमारे पास बेसिकली 3 हमारे पास इनपुट्स हैं जो हम लोगों ने प्रोवाइड करेंगे और उसके मुताबिक हमें अपना रिजल्ट मिलेगा. सो अगर आप देखा जाए तो बी इन्वर्ट और कैरी इन दोनों सेम है. सो हम इसको कंबाइन कर देते हैं इनटू 1 सिग्नल कॉल्ड सब. हम इसको सब में कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि जितनी हमारे पास इनपुट कम होगी उतना हमारे पास डिजाइनिंग में आसान होगा. सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. द इंस्ट्रक्शन ऑप कोड एंड फंक्शन गिव अस द इन्फो वी नीड. सो इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड है और फंक्शन है, सो ये हमारे पास उसका ऑप कोड होगा जो कि इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है, और ये हमारे पास हमारी फंक्शन की बिट्स होंगी. अब फंक्शन की बिट्स याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आर टाइप के अंदर होती है. आई टाइप में हमारे पास फंक्शन बिट्स होती ही नहीं है, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन फंक्शन की नहीं होती है. सो इनके लिए फंक्शन की इन्फॉर्मेशन होगी, इनके लिए फंक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. इसलिए अगर आप डोंट केयर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनके लिए फंक्शन की बिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती. इसने जितना भी फैसला करना है, जितना भी अपने डिसीजन लेना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप कोड लेना. सो ऑप कोड हमारा बेसिकली एक 6 बिट का हमारे पास एक कोड होगा. वो हम आगे जाके देखेंगे वो 6 बिट का कोड हम कैसे डेवलप करेंगे और उससे हम कैसे हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे. और उसका एक पोर्शन होगा जो कि हमारा बेसिकली ALU को कंट्रोल कर रहा होगा. सो द आर टाइप इंस्ट्रक्शंस ऑप कोड इज 0, फंक्शन कोड डिटरमिन्स द ALU कंट्रोल. यानी आर टाइप में हमारे पास हमेशा हमेशा जो हमारा ऑप कोड होता है वो 0 होता है. यानी 0000000. अब डिसीजन किस बेसिस पे होगा, वो है फंक्शन कोड की बेसिस पे, फंक्शन बिट्स की बेसिस पे. अब आप देखा जाए तो आर टाइप में हर जो ऑपरेशन है उसका फंक्शन बिट्स डिफरेंट है. सो इस बेस पर डिसीजन होगा कि हमने क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एंड करना है, और करना है, या सेट इफ लेस देन का ऑपरेशन इस्तेमाल करना है. सो फॉर आई टाइप इंस्ट्रक्शन ऑप कोड डिटरमिन्स द ALU कंट्रोल. सो उल्टा कर लेते हैं कि इसमें फंक्शन बिट्स नहीं होती हैं, तो हमारा जो ऑप कोड होता है वो डिटरमिन करता है कि हमने क्या करना है. इन केस ऑफ लोड वर्ड स्टोर वर्ड हम सिर्फ ऐड करते हैं और कोई ऑपरेशन नहीं होता, और इन केस ऑफ ब्रांच इक्वल हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं और कोई ऑपरेशन नहीं होता. और अगर सपोज अगर लोड वर्ड स्टोर वर्ड में ऐड के अलावा भी कोई ऑपरेशन होता तो हमारे लिए डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता. ठीक है, सपोज लोड वर्ड में ऐड भी हो रहा है एंड आगे जाके सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको जो है अलग करना, सेपरेट करना. राइट, सो ये हमारे पास जो है इनपुट्स हैं, और इस हमने ये आउटपुट्स बेसिकली जनरेट करनी है. हमने ALU को कंट्रोल करना है, तो ALU को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप कोड अवेलेबल है एंड हमारे पास फंक्शन बिट्स अवेलेबल है. इन दोनों को, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने खुद से जनरेट करनी है. और ख़ुद से कैसे जनरेट करेंगे, थ्रू ऑप कोड एंड फंक्शन. हमें अभी देखा है कि ऑप कोड बेसिकली यूज़ करेगा फॉर हमारा आई टाइप एंड ये जो लोड वर्ड एंड ब्रांच इक्वल है, एंड फंक्शन बिट्स हमारे आर टाइप में जो ALU को बताएंगे कि क्या फंक्शन करना है. और ये अगर आप देखें तो ये वही चीज़ है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी.
ये ऑपरेशन बिट्स हैं, और ये सब सब बेसिकली हमारा कैरी इन और जो हमारा बी इनवर्ट है उसको हमने मर्ज करके सिर्फ एक सिग्नल बना दिया. सो हमने बेसिकली इनकी बेसिस पे हमने इनको जनरेट करना है. तो हमने एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है, जैसे भी आप लोगों ने डीएलडी में भी पढ़ा होगा लॉजिक डिज़ाइन में, कि हम लोग डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट्स डिज़ाइन करते हैं, राइट. सो हम उससे एक सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर इनपुट, हमारे इनपुट पे क्या सिग्नल्स आएंगे तो ये आउटपुट आएगा. सो हमें आउटपुट सिग्नल्स पता है. अब हम लोग इसका एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन हम इसका उस फंक्शन से हम लोग बेसिकली इसका सर्किट बनाएंगे कि इस कैसे जनरेट होगा. उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि न्यू कंट्रोल सिग्नल एक हमने इंट्रोड्यूस किया है एल यू ऑप के नाम से. अब एल यू ऑप बेसिकली 00 होगा फॉर मेमोरी के लिए, और एल यू ऑप बेसिकली हिस्सा है हमारे ऑप कोड का. ऑप कोड का एक पोर्शन है हमारा जिसको हम एल यू ऑप के लिए यूज़ करेंगे. सो 00 फॉर मेमोरी इंस्ट्रक्शन, और मेमोरी इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं, लोड वर्ड एंड स्टोर वर्ड. फिर हमारी 01 होगा फॉर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, और ब्रांच इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ब्रांच इक्वल. आगे जाके हम देखेंगे ब्रांच नॉट इक्वल भी आएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ब्रांच इक्वल है. सो 10 फॉर आर टाइप, यानी ये जो हम देख रहे हैं आर टाइप के लिए, इसके लिए हमारा एल यू ऑफ जो होगा वो 10 होगा. सो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा ऑप कोड यूज़ नहीं करना चाह रहे 6-bit का, उसका सिर्फ पोर्शन ऑफ द ऑप कोड हम यूज़ करना चाह रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं एल यू ऑप. सो एट द एंड ऑफ द स्लाइड हम लोग एल यू ऑप एंड फंक्शन कोड को यूज़ करके हम लोग एल यू को कंट्रोल कर रहे हैं. सो एल यू की ये इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं. सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं. सो ये हमारे पास बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी इनपुट है, और उससे हम ये कंट्रोल कर रहे हैं. सो दिस इज, ये जो बिट हमारी ये वाली है, दिस इज एल यू ऑप 0, और ये वाली जो है बेसिकली हमारे पास एल यू ऑप 1 है. इसी तरह हमारी फंक्शन की बिट है. और अगर आप सिंपल हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ऐड की. सो अगर हमारे पास यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और हर जगह बाकी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास डोंट केयर है. अगर आप इसमें देखें फर्स्ट चीज़ के F4 और F5 यूज़ नहीं हो रहा, और F4 F5 क्यों यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये हर जगह देखा जाए तो इसको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा. सो ये हमेशा हर जगह डोंट केयर है, इसलिए ये ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रहा इस सर्किट के लिए. सो 00 अगर देखें तो इधर 0 लाएंगे. सो अगर ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, दिस इन्फॉर्मेशन दिस A2 इज 0, तो A2 हमारा 0 आ गया. और अगर यही 0 आगे कैरी होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो और इनपुट में अगर एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट में 1 आ जाता, तो इसलिए हम 1 लिख देते हैं. इसी तरह F3 और F0 ये डोंट केयर है, कोई भी हमारे पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से हमारे पास 0 आ रहा है, तो एंड गेट में अगर एक भी 0 आ जाए तो 0 होता है. सो दिस इज़ हाउ वी गेट द आउटपुट. सो ये बेसिकली हमारी जो A2 A1 और A0 हमारी लाइन है, वो हम इनपुट्स देंगे और उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट की वैल्यूज मिल जाएंगी. सो ये हमारा सबसे पहला कंट्रोल सिग्नल था, और सबसे पहले कंट्रोल हमने क्या किया, हमने अपने ALU को कंट्रोल किया, और ALU को कंट्रोल हमने कैसे किया, थ्रू अपने ऑप कोड एंड फंक्शन. और ऑप कोड में से भी हमने एक पोर्शन अदा कर लिया जिसको हम ALU ऑप कहते हैं. मेमोरी के लिए, मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के लिए हम ALU ऑप जो यूज़ कर रहे हैं वो 00 कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ ऐड होगा जैसे कि हमने बताया लोड वर्ड स्टोर वर्ड में. देन हम लोग जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है उसके लिए 01 यूज़ कर रहे हैं. एंड ये डोंट केयर क्यों है उसकी जगह, क्योंकि हमारे पास 11 की ऑप्शन नहीं है. सो अगर ये वाली बिट 1 हो जाती है तो इसका सिंपल मतलब यह कि 01 ही होगा, ब्रांच ही होगा, क्योंकि 11 नहीं हो सकता. सो इसके लिए हमने देखा सिर्फ सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन अवेलेबल होती है, हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. अगर हम आर टाइप में देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उधर हमारे पास फंक्शन बिट्स भी अवेलेबल होती हैं, फंक्शन बिट्स भी यूज़ होती हैं. इन दोनों में फंक्शन बिट्स ज़्यादातर यूज़ नहीं होती. ओके, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से. सो दिस इज़ द पार्ट, एंड ऑफ द पार्ट 1.